स्टूडेंट विल टुडे लर्न मैथमेटिक्स पार्ट टू स्टैंडर्ड 10 का प्रैक्टिस सेट 7.3 करेंगे। 7.3 पेज नंबर 154। फर्स्ट प्रॉब्लम इट इज अ डायग्राम। आर दे दिया, थीटा भी दे दिया, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना। सिंपल फार्मूला है, पुट करो एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा सो दैट इज इक्वल टू 54 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर। सो यू कैन कैंसल दिस, बट वी राइट फर्स्ट दिस 54 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 100। ओके, इट विल गो ऑन दिस टेबल 9 इंटू 3। ओके, सो इट इज 6 इंटू 9, 9 इंटू 40, 3 इंटू 2, 2 इंटू 20। सो दैट विल बिकम 3 अपॉन 20 इंटू 3.14 इंटू 100। You calculate this 3 into 20 into 5, so that will become 15 into 3.14. okay, so that will get at 47.1 centimeter square. I hope you got this. Next we do second problem. So second problem mein r de diya 18 centimeter, theta diya hai 80, pi de diya 3.14, length of arc find karna hai. Theek hai, to length of arc ka formula likhenge hum, l is equal to theta upon 360 इंटू 2 पाई आर। सो दैट विल बिकम थीटा दिया 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 दिया है, तो 3.14 रेडियस है 18। ओके, 0 0 कट हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 4, 4 इंटू 9, तो ये बनेगा 2 अपॉन 9 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 18। तो इसको कट करेंगे 9 इंटू 2। ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बनेगा 8 इंटू 3.14 इंटू 8। यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो दैट बिकम 25.12 सेंटीमीटर। ओके, 25.12 सेंटीमीटर। ओके, आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ओके, थर्ड प्रॉब्लम में रेडियस ऑफ सेक्टर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ दे दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड है एरिया ऑफ सेक्टर का, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला 2 है, फार्मूला 1 है, फार्मूला 2 यूज़ करेंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा हाफ इंटू आर इंटू एल। सो दैट विल बिकम हाफ इंटू 3.5 इंटू 2.2। ओके, तो 2.2 ये कट हो जाएगा, तो 1.1। सो दैट विल बिकम 3.5 इंटू 1.1। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, 3.5 इंटू 1.1 दैट विल बिकम 35। ओके, सो 385, बट यहाँ पे दो पॉइंट है, एक इधर, तो इट विल बिकम पॉइंट विल कम हियर। सो 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट वी डू फोर्थ प्रॉब्लम। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम में इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल का ये फार्मूला है, ये यूज़ करके हम फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दे दिया 100 प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, सो दफोर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस 100, पाई 3.14 एंड इट विल बिकम 10 स्क्वायर माइनस 100। सो दैट इज बिकम 3.14 इंटू 100 माइनस 100। सो दैट विल बिकम, बिकॉज ऑफ दिस 20 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 3.14 माइनस 100 दैट विल बिकम 2.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट वी डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो फिफ्थ प्रॉब्लम में एरिया ऑफ सेक्टर दिया, रेडियस दिया, लेंथ, तो ये तीनों को रिलेट करते हुए एक फार्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू एल। सो एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है 30 इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इज 15 इंटू एल। 30 विल गो दिस साइड, सॉरी 2 विल गो दिस साइड, सो 30 इंटू 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू एल। ओके, सो 15 इंटू 2 फोर एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, इफ यू नो द फार्मूला तो इजीली हो जाएगा, सब फार्मूला के ऊपर है। सो सिक्स प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे दिया है फिगर। ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल, सो एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर 22 अपॉन 7 इंटू
7 square 22 upon 7 into 7 into 7. You cut this. So what will cut? Will cut 154 centimeter square. Okay. And okay, I forgot. 68 there. Printing mistake. Theta 60 degree. Okay. Printing mistake. Theta 60 degree. I forgot to tell you. Now we'll calculate for this area. Okay. So area of OMBN. That is nothing but area of minor sector hai. So area of minor sector ka formula hai into pi r square. Pi r square humne already calculate kiya hai. It is already calculate kar gaya. So it has become 60 upon 360 into 154. Cut this 6, okay. So we have to divide it. So 1 upon 6 into 154. So that will become 3 into 2. 2 into 77. So 77 divided by 3 karte hain. So 3 2 is 6 and it will become 17. 3 5 is 15, then 2 20, so it will become 18. 6 then 2, so it will go on like this. Okay, that will become 25.666. jaate rahega. So 25.6666, it will go on like this. We round it 25.67 centimeter square karna hai bas. ओके बस ये करना है. नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है थर्ड पार्ट. एरिया ऑफ OMCN यानी कि मेजर सेक्टर है. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है. फॉर्मूला है तो हम एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर. इसका वैल्यू दिया यहाँ पे 154 minus 25.67. Do this and you will get one answer. Write that answer. 128.3 centimeter square. Okay, I hope you got this. Next we do seventh problem. So in seventh problem, when they don't specify ki kaun sa type sector hai perimeter, so assume karenge ki minor sector hai. Okay, assume karenge ki minor sector hai. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है आर प्लस एल. ओके मैन इट इज लाइक दिस. ओके आर आर एल. सो आर प्लस आर टू आर प्लस एल. ओके सो बट उन्होंने पेरीमीटर दे दिया है 12.8 इज इक्वल टू वी हैव द 2 इंटू 3.4 प्लस एल. हमें नहीं पता है एल फाइंड करना है. ठीक है so that we will calculate. So it will become 12.8 is equal to 2, it will become 6.8 plus L. Therefore L is equal to 12.8 minus 6.8. So therefore L is equal to 6 centimeter. Okay, so a first part hai. And we know the formula area of sector ka. Area of sector ka half into R into L. Another formula 2 hai. So humko ye find karna hai. So is equal to half into radius दे दिया है 3.4 and L 6 दे दिया है तो 3 into so 3.4 into 3 calculate and write 10.2 centimeter square. okay next 8 problem करेंगे. so length of arc का formula use करेंगे. ठीक है so length of arc का formula use करेंगे. so length of arc rx cube फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. बट यहाँ पे आर है तो आर वन है. सो इट इज आर वन. सो फॉर्मूला इज चेंज. यहाँ पे आर वन आएगा. सो इट इज 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7. आर इज 7 है. 7 7 कट एंड दिस जीरो कट. इट विल बिकम 6 एंड विल गेट हेयर 2 इंटू 3. सो दैट विल बिकम 22 अपॉन 3. ओके सो दैट वी विल कैलकुलेट दैट साइड. So 22 upon 3, 3 into 7, 21, 1, okay, so point, so 3, so it will go on like this, so that will become 7.3 centimeter. Okay, that is the first part. Now second part, ये arc का find कर रहा है, ठीक है? So length of arc MYN का है formula change होगा little bit. 3 theta upon 360 into 2 pi r 2 आएगा. इट इज r 2. सो r 2 सो दैट विल कम 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू
22 बाय 7 इंटू 21, ओके 7 इंटू 3 कट हो जाएगा, 0 0 कट एंड 6 इंटू 6, ओके एंड यू कैन कट दिस ऑल्सो 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, सो सारे कट हो गए, सो रिमेनिंग है 22, ओके सो दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. सो वेरी इजी है फार्मूला के ऊपर, ओके दिस इज द फार्मूला. नेक्स्ट वीडियो 9th प्रॉब्लम. सो 9th प्रॉब्लम में ये दे दिया उन्होंने, रेडियस दे दिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 154 दिया है, थीटा एंड लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना. तो फर्स्ट फाइंड करेंगे थीटा, उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर यूज करना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. बट एरिया ऑफ सेक्टर उन्होंने 154 दे दिया है, सो 154 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर, आर दे दिया उन्होंने आर 14 स्क्वायर, ओके सो टेक ऑल दिस साइड, सो इट विल बिकम 154 इंटू 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल टू थीटा, ओके ओके. तो कट करेंगे, काफ़ी चीज कट हो जाएगा, 7 इंटू 2 एंड इट विल गो ऑन 11 टेबल, सो 2 इंटू 11, 11 इंटू 14, ओके 11 इंटू 14, 154, ओके एंड 14 डायरेक्टली कट हो जाएगा, सो थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 इंटू 2, 4, सो दैट विल बिकम 90 डिग्री, ओके सो यू गेट 90 डिग्री. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आर्क अभी इजिली फाइंड कर सकते हैं. सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ओके सो थीटा इज 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर इज 7, ओके सॉरी आर 14. सो यू कैन कट मैनी थिंग, 0 0, 9 एंड 4 एंड इट विल बिकम 7 एंड 2, यहाँ पे इट विल बिकम 4 इंटू 22 अपॉन 4, 2 इंटू 2, 4, 4 cut, it will become 22 centimeter, okay. I hope you got this. Next video, 10th problem.